विश्व के विभिन्न हिस्सों में, खासकर पूर्वी हिस्सों में, जापान, वियतनाम, चीन, तिब्बत जैसे देशों में योग लंबे समय से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराता आया है। भारत में तो हमारे आराध्यों ने भी योगिक क्रियाओं को बढ़ाया है। भगवान शिव की आदि योगी और भगवान कृष्ण की योगेश्वर के रूप में आराधना इसी का प्रमाण है। साथियों, इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में भी स्वामी विवेकानंद द्वारा राजयोग पर लिखी गई टीका योग की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत के इस ऐतिहासिक विरासत को भले ही यूनाइटेड नेशंस ने 9 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी हो, लेकिन योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण आज से सदियों पहले हो चुका है। साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम सभी योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अमृतकाल में हमारे प्रवेश के ठीक बाद मनाया जा रहा है। इसलिए इस समय हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वह अमृतकाल की समाप्ति तक यानी 2047 तक हमारी रूपरेखा को तय करेगा। अमृतकाल की समाप्ति पर हमने जो डेवलप्ड इंडिया विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हमारा वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा, और इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में योग से अधिक कारगर और कुछ नहीं है। साथियों, भारत सरकार अपने स्तर पर योग को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने का भगीरथ प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया ने यह भी देखा है किस प्रकार योग उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मुझे सचमुच यह अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत